सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरपोखरी में आज घुटना दर्द पर कैसे हम सीढ़ी पर चढ़ हैं और उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर आज मैं यहाँ पर सिखाने का या प्रशिक्षण देने का मैं कार्य कर रहा हूँ। तो देखिए, यदि आपको मान लीजिए कि कोई एक घुटना में दर्द है, मान लीजिए कि दाहिना घुटना में दर्द है और आपको सीढ़ी पर चढ़ना है, तो आपको कैसे चढ़ना चाहिए और कौन से सावधानी को अपनाते हुए चढ़ना चाहिए। तो देखिए, हर सीढ़ी के पास ये होता है हैंडल, जिसे सहारा लेकर के चढ़ने के लिए बनाया हुआ रहता है। यह या तो आपको लकड़ी का हो सकता है, आपका लोहा का हो सकता है, या ईंट से बना हुआ दीवार हो सकता है। तो आपको सीढ़ी पर चढ़ना है तो दाहिने हाथ को रख लेना है हैंडल पर, ठीक है, ग्रिप बना पकड़ लेंगे। अब यदि आपको मान लीजिए कि दाहिना पैर में दर्द है, तो जो पैर में दर्द है वो पैर पीछे रहेगा और जिसमें दर्द नहीं है वो पैर आगे रहेगा। अब बायां पैर को आगे रखिए स्टेयर पर, बहुत अच्छा। अब धीरे से दाहिना पैर को उठाकर पहले सीढ़ी पर रख दीजिए, बहुत खूबसूरत। और फिर बायां पैर आगे ले आइए, धीरे धीरे अब चढ़ते आइए। ये है सीढ़ी पर चढ़ने का तरीका, यानी जिस पैर में दर्द है वो पैर पीछे रहेगा, जिसमें दर्द नहीं है वो पैर आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, रुक जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि भरी जवानी में ताकत का दम रखते हुए जोश खो बैठते हैं और होश भी खो बैठते हैं, और करते क्या हैं, एक बार में थोड़ा दो सीढ़ी ऊपर रख के पैर दिखाइए दूसरे पर, देखिए ये वाला जो रुक जाए वहीं पर। ये चढ़ने का सबसे खतरनाक और गलत तरीका है। ऐसा यदि करते हैं तो आपको भविष्य में घुटना दर्द हो जाएगा, और भविष्य में घुटना दर्द से बचना चाहते हैं तो एक साथ दो स्टेप तीन स्टेप आगे पैर ना रखें, आप पीछे ले जाइए पैर को, ठीक। अब जैसे मैंने बताया है वैसे चढ़ते हुए आगे की तरफ आइए, अब रुक जाएंगे। अब ये हो गया दाहिना पैर में दर्द है, तो यदि आपके बायां पैर में दर्द है तो क्या करेंगे, आप बायां पैर पीछे रखेंगे, दाहिना आगे रखेंगे, दाहिना आगे रखेंगे, ठीक। दाहिना पर भार देते हुए बायां पर उठाएंगे धीरे धीरे, हाँ। इस प्रकार से यदि आप बचपन से ही सीढ़ी पर चढ़ना सीख लेंगे तो कभी भी आपको घुटना में दर्द भविष्य में नहीं हो सकता है, और इस प्रकार से आप आसानी से अपने घुटने को आजीवन यानी 100 वर्षों तक स्वस्थ बना सकते हैं और दौड़ करके आप चल सकते हैं। आगे बढ़ जाइए, अब धीरे से दो चार स्टेप ऊपर ले लेंगे आराम आराम से। यदि रुक जाएंगे, यदि आपके किसी पैर में दर्द नहीं है तो क्या करेंगे, एक बार दायां पैर आगे रखेंगे, एक बार बायां पैर आगे रखेंगे नॉर्मली, ठीक है, चढ़िए, ठीक। अब ये दूसरा पैर रखेंगे, दोनों पैर पर रुक जाएंगे, रुक जाएंगे। यही गलती होती है, हम एक ही पैर पर भार देते आ रहे हैं, जब दर्द था तब ऐसा कर रहे थे, लेकिन दर्द नहीं है तो दोनों पैर यानी एक बार बायां आगे रखेंगे, एक बार में फिर दायां आगे रखेंगे, उठाएंगे, ये हुआ, ठीक। अगली बार में रखें दो तीन, ऐसा करके आप आगे चढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो ये हुआ सीढ़ी पर चढ़ने का तरीका, जिसे अपने घुटने को आप बचा सकते हैं। तो एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे, धन्यवाद।